कुछ ही दिन पहले जो एक इटली की फैमिली है उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया पाकिस्तान में। इसको मैं आपको कुछ तफसील बताता हूँ कि इटली की जो फैमिली है वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरी और वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे क्लियर करवा कर एयरपोर्ट से बाहर निकली और घर जाने के लिए तैयार थी। जो इटली की फैमिली है वो बेसिकली पाकिस्तान की शहरी भी हैं और इटालियन सिटीज़न भी हैं। तो जैसे ही वो बंदे लाहौर एयरपोर्ट से बाहर निकले और एयरपोर्ट की जो होती हैं वो वहाँ से निकल कर पब्लिक रोड्स पर आए, तो उनके पीछे एक जो पुलिस सायरन वाली गाड़ी होती है वो उनके लगी पीछे। तो मुसलसल वो हॉर्न बजाए जा रहे थे, सायरन बजाए जा रहे थे और उनको इशारा कर रहे थे कि आप अपनी गाड़ी रोकें। तो इनके साथ जो बंदे थे वो कुछ मर्द भी थे और जो पाकिस्तान से उनको लेने के लिए गए हुए थे वो भी बंदे थे और उनके साथ फैमिली मेम्बर्स भी थे, उनकी लेडीज़ भी थी। तो उनकी जो इटालियन सिटीजन थे उनकी गाड़ी रोकी गई और गाड़ी को रोक कर उनको ये कहा कि आप अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। इसमें जो गाड़ी थी वो प्राइवेट गाड़ी थी जिसके ऊपर उन्होंने सायरन लगाया हुआ था। तो अब जो बंदे हैं वो अब ये नहीं पता कि वो बंदे पुलिस वाले थे या वो चोर थे या डाकू थे, अब इनको कुछ भी पता नहीं था। तो उन्होंने ये बोला कि जो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जी आप हमें अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाएं। तो जो गाड़ी वाला ड्राइवर था वो उतर कर गया, उसने अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाए। तो जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट चेक करवाया तो वो कहता है जी जो बंदा आपका बाहर से आया है आप हमें उससे मुलाकात करवाएं। सबसे पहले उसने बताया कि हम जो है ना वो बाहर से एक बंदा आया है उसको हम लाहौर एयरपोर्ट से लेकर आ रहे हैं। तो उसके बाद उसने बोला जी जो आपका बंदा बाहर से आया हमें उससे मुलाकात करवाएं, उसे आप बाहर भेजें हमारे पास। तो उसने ये कहा जी कि हम उसको चेक करेंगे फिर उसके बाद आपको जाने देंगे। तो जो बाहर से बंदा आया था वो भी आपको पता है वो तो बाहर के होते हैं, जैसे वो इटली में कुछ हमारे यूरोप में या जैसे भी दूसरे कंट्रीज़ में कुछ रूल्स होते हैं कि वो अपने डॉक्यूमेंट सारे चेक करवाते हैं, उन्हें किसी चीज़ से ख़तरा नहीं होता अभी। तो बिना खौफ व ख़तरा वो बाहर निकले हैं। तो बाहर निकल कर इटालियन सिटीजन ने जो है वो अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाए। तो उसमें उनकी कुछ मालियत थी 15,000 यूरो या 20,000 यूरो जो अपने ट्रैवल खर्चात के लिए वो पाकिस्तान लेके आ रहे थे, क्योंकि जो इटालियन सिटीजन था हाल ही में उसकी वो एक दिन पहले उसके जो हैं वालद साहब उनकी डेथ हुई थी, वो अपने वालद साहब की डेथ पे और अपने वालद के जनाजे पे आ रहा था। तो उसके साथ उसकी सिस्टर भी थी। तो जैसे ही वो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाए हैं जिसमें उनके पासपोर्ट थे सारे, जो वो बैग था जिसमें उनके पैसे भी थे, तो वो चेक करने के बहाने वो उनका बैग भी ले गए और उनको जो दो को भी किया और जितने उनके डॉक्यूमेंट थे वो भी लेकर चले गए और जो मालियत थी 15 से 20 हज़ार यूरो वो भी उनके लेकर चले गए। अब ये फैमिली अभी तक इनको कुछ पता नहीं हुआ कि वो उनके साथ क्या हुआ है। अब ये कभी एम्बेसी जा रहे हैं, कभी पुलिस में FIR लिखवा रहे हैं, लेकिन इनकी बात जो है वो बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही। तो ये मामला मैं आप पे रखता हूँ, काइंडली आप मुझे बताएं कि ये क्या इशू है, क्या इससे पहले भी कभी किसी के साथ ऐसा इशू हुआ है। तो अगर अकामी बाला ये देख रहे हैं तो काइंडली उनसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को आप गौर से देखें, क्या ये बहुत बड़ा पाकिस्तान में इस तरह के मामला हो रहे हैं या किसी बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत हुआ है या इनका कोई अपना बंदा था या कोई पुलिस वाले थे या कोई भी था जैसा भी था या बहुत बड़ा चोर डाकू थे। तो काइंडली आप इसको देखें क्योंकि ये पाकिस्तान किसी हाल में भी महफूज नहीं रहा, हर जगह पर लूट मार मची हुई है। तो हकामे बाला से गुजारिश है, IG पंजाब से गुजारिश है कि आप इस मामले को आप संजीदगी से